न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल सर्वोच्च अदालत ने हज पर दी जा रही सब्सिडी बंद करने का आदेश दिया। मुझे आनंद हुआ, ये जो फैसला आया है उससे मैं आनंदित हूं। मैं व्यक्तिगत तौर से इसलिए आनंदित हूं कि यही बात मैंने 97-98 में, एग्जैक्ट नहीं, दोनों में से एक साल हो सकती है, मैंने गुजरात हाईकोर्ट में एक रीट लगाई थी, एक अर्जी लगाई थी। मेरी अर्जी का मुसद्दा कोई और था, कुछ और था। उस समय जो अमरनाथ की उस समय जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 320 आदमी भेजे जाते थे, सिर्फ 320। 100 करोड़ हिंदुओं में से 320 लोगों को कैलाश मानसरोवर ले जाने की इजाजत थी, क्योंकि चाइना के साथ वो एग्रीमेंट था। और याद रहे, ये 320 हिंदू ही जाने चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं था। जो भी आवेदन पत्र मंगवाते थे उसमें कहां भी उल्लेख नहीं था कि सिर्फ हिंदू ही ये आवेदन पत्र भरे। मतलब पूरी भारत की जो बस्ती है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, वो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। तो वो 320 जो अर्जी लगती थी, तो उसका कानून ये था कि अगर आपकी अर्जी लग गई, 320 में आपका नंबर लग गया, तो पहले आपको 75,000 रुपया, 75,000 रुपीज सरकार ने भर देने थे, फीस देनी थी 75,000 की। और बाद में आपकी मेडिकल जांच होती थी, और मेडिकल जांच में अगर आप फेल हो जाते थे तो भारत सरकार, समझ लो, भारत सरकार एक और मुसलमानों को 37,000-35,000 हज की सब्सिडी देती थी। वही सरकार अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए तो आपके 75,000 रुपए, 75,000 रुपीस जमा कर लेती थी, वापस नहीं देती थी। अब ये क्या मामला हुआ? मेरी अर्जी लगी, मैं मेडिकली अनफिट हूं या फिट हूं, वो पहले क्यों नहीं जांच करवा लेते? आप पहले जांच करवा ले, मैं फिट हूं तो फीस लो, नहीं है तो नहीं फीस लो। तो ये कानून के खिलाफ, ये जो नियम बनाए थे उनके खिलाफ मैंने भारत सरकार में एक अर्जी लगाई, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर मैंने, मेरे जो वकील थे उस समय, मैं भी वकील था, और मेरे हाईकोर्ट के वकील थे प्रदीप मजमूदार, जो बड़ौदा के हैं और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में वो जज बने हुए हैं। तो प्रदीप भाई ने हाईकोर्ट में मेरी ओर से अर्जी लगाई कि ये मेडिकली अनफिट हो जाने पर जो 75,000 रुपया सरकार ले लेती है वो बंद होना चाहिए। और साथ में हमने ये भी मांग की कि अगर हज की सब्सिडी में सरकार हजारों मुसलमानों को 30,000, उस समय कोई 25,000 या 30,000 की रकम थी वो दे सकती है, 25,000 रुपया कई हजार लोगों को देती है, तो ये 320 लोगों को भी ये 25,000 रुपया 75,000 में से सब्सिडी दी जाए। भारत सरकार की ओर से उसमें एक एफिडेविट फाइल हुई जिसमें सिर्फ इतना बताया गया कि हम अब पहले मेडिकल करवाएंगे और जो मेडिकली फिट होंगे उनसे 75,000 रुपया लेंगे, पहले नहीं लेंगे। मतलब जो फॉरफिट हो जाते थे वो प्रक्रिया हम बंद कर रहे हैं। और मेरी वो बात का उसमें कोई जवाब नहीं था कि हिंदू मानसरोवर, और माफ करना, हिंदू भी नहीं, मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे यात्रियों को 25,000 रुपया सब्सिडी दी जाए, उसका कोई जवाब नहीं था। तो जब पिटीशन निकली तो मेरे वकील ने, मजमूदार साहब ने, जज को बताने की कोशिश की कि मेरी इस बात का तो इसमें जवाब ही नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहता हूं कि वो जज साहब ने हमारी एक नहीं सुनी,
प्रदीप भाई ने कहा कि आप एडजोन करो, सरकार को कहो कि मेरी पूरी पिटीशन का जवाब दे। और जज साहब कहते रहे कि नहीं, आपने जो बात रखी थी 75,000 रुपये चले जाते हैं, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, अब इसमें आप मत कुछ कहो। और जब मैंने बोलने की कोशिश की, मैं भी वकील था, तो जज साहब ने मुझे कहा कि मिस्टर पंड्या, माइंड वेल, यू आर पिटिशनर ओनली एंड योर एडवोकेसी इज स्टैंडिंग बिफोर मी, डोंट ट्राई टू इंटरप्ट, यू डोंट टॉक एनीथिंग। बहुत मामला गर्मा गया, फिर आखिर हमने वो पिटीशन वापस खींच ली। मेरी मांग सिर्फ इतनी थी, मैंने नहीं कहा था कि हज यात्रियों की सब्सिडी बंद हो जाए, मैं आज भी नहीं मानता हूं कि सरकार दे रही थी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मैंने जब कहा कि सिर्फ 320, जब आप 32,000 हज यात्रियों को 25,000 रुपया दे सकते हो, तो सिर्फ 320 हिंदुओं को, 320 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भी आप 25,000 सब्सिडी दो, उसका भारत सरकार की ओर से जो जवाब आया उसमें उसका कोई जवाब नहीं था और नहीं दिया गया और आज भी नहीं देते हैं। जितनी सब्सिडी एक मुस्लिम हज यात्री को मिलती है वही इतनी ही अमाउंट, मैं नहीं कहता हूं कि पूरे 600 करोड़ रुपया 320 आदमी के पीछे खर्चा करे, मगर वो जो 30,000 खर्चा करती है, 36,000 खर्चा करती है, उतना 75,000 में आज क्या रकम है मुझे पता नहीं है, मान लो 1.5 लाख हो गई हो तो उतनी रकम बाद मिलनी चाहिए। वो मेरी बात ना कोर्ट ने सुनी ना सरकार ने सुनी। और मैं ये फैसले से खुश इसलिए भी हूं कि सही मानो में ये फैसला कुरान में जो कहा गया है उसके हिसाब से आया हुआ है। ये बात ऐसी नहीं है कि हिंदुओं के प्रोटेस्ट के वजह से ये फैसला आया है, नहीं, ये बात ऐसी है कि कुरान में कहा गया है कि कोई हज यात्री उधार पैसा लेके भी हज यात्रा नहीं करेगा। तो ये जो सरकारी सब्सिडी है वो भी एक प्रकार से उधार ही लेना था और एक गलत प्रथा बंद हो रही है, उसका मुझे आनंद है। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर 10 साल में ये हज की सब्सिडी बंद होनी है तो क्यों ना अगले 10 साल तक अमरनाथ या अपने कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को भी उतनी ही सब्सिडी दी जाए, मगर वो नहीं होगा, न भाजपा ने राज में भी नहीं हुआ था। बड़े ताजुब की बात है कि भाजपा के राज में हज की सब्सिडी बढ़ी थी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे लोगों को 1 रुपया भाजपा की सरकार ने भी सब्सिडी नहीं दी थी। ये देश की राजनीति है, गंदी राजनीति है और वो चलती रहेगी। सीधी बात में आज बस सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।